हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के करे चलिए देखते हैं। इन फिगर 12.03 ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इफ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द क्या कह रहा है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी और दूसरा क्या कह रहा है सेडेड रीजन। ठीक है फर्स्ट हम लोग को देखें, हम लोग को क्या कह रहा है ना, एक हम लोग का क्या है क्वाड्रेंट है, ठीक है ओ ए सी बी, ठीक है जिसका सेंटर क्या है ओ है, सेंटर ओ है। ठीक है अब क्या कह रहा है रेडियस कितना दिया, मतलब ओ बी कितना दिया है 3.5, ठीक है 3.5 दिया हुआ और ओ डी ओ से डी का डिस्टेंस कितना दिया बोल रहा है 2 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है तब हम लोग को देखिए, तब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम लोग को निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ना, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग दे देते हैं, फर्स्ट नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए ने ओ ए सी बी, ठीक है जिसका रेडियस कितना दिया, यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे, ठीक है फर्स्ट में तो रेडियस कितना दिया हम लोग को, इतना दिया है, ओ डी हम लोग को इतना दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जान, और थीटा कितना हो जाएगा एंगल, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का क्या है राइट एंगल है, ठीक है ना ये वाला क्वाड्रेंट भी है, तो हम लोग का ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्व करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ओ ए सी बी। ठीक है तो चलिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिवाइड में कितना हो जाएगा हम लोग का 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर आर हम लोग को कितना दिया, आर हम लोग को दिया 3.5 स्क्वायर है, इसीलिए क्या किया दो बार लिख दिया। ठीक है अब चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट देखिए, सॉरी 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 अब क्या करेंगे देखिए पॉइंट को हटा देंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट था तो एक जीरो लगेगा नीचे, ऊपर में फिर इससे देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट है तो कितना जीरो लगेगा नीचे, एक जीरो लगेगा, जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है जीरो से जीरो कटा, 9 1 9 9 4 36। ठीक है अब देखिए 5 2 10 और 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 7 1 7 7 1 7 फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 5 2 10 5 7 30 35। ठीक है 5 7 5 2 10 और 5 7 35। ठीक है अब 2 1 2 2 1 2 2 1 2 ऊपर कितना बचा 7 इंटू 11 और नीचे कितना बचा 4 इंटू 2। ठीक है अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है यही हम लोग का आ गया, फर्स्ट नंबर का हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट हम लोग का निकल गया, ठीक है हम लोग का क्वाड्रेंट निकल गया ओ ए सी बी निकल गया कितना आ गया 77 बाय 8। ठीक है अब चलिए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग की साइडेड रीजन निकालना है। ठीक है कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं, तो हम लोग एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, ठीक है कैसे निकलेगा वो देखिए, अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट का एरिया में, ठीक है क्वाड्रेंट के एरिया में स्ट्रैंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है इस क्वाड्रेंट का एरिया में स्ट्रैंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोग का सैडेड रीजन निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है माइनस क्या कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट आप देखिए क्या करेंगे, हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है एरिया हम लोग का कितना दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, अभी हम लोग ने निकाला 77 बाय 8, ये 77 बाय 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2, ठीक है बेस इंटू हाइट ना, तो बेस क्या हो जाएगा ओ बी इंटू ओ डी हाइट। ठीक है स्टूडेंट सॉरी ओ डी, ठीक है आप देखिए हम लोग क्या करेंगे 77 बाय 8 माइनस 1/2 ओ बी, ओ बी कितना दिया हम लोग का 3.5 इंटू ओ डी कितना दिया, ओ डी हम लोग को दिया है 2, ठीक है जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं 2 1 2 2 1 2 क्या बचा के बाद 3.5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग
पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट था, फिर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 2 10 5 5 7 जा, ठीक है, सॉरी 5 7 जा, कितना बचा हम लोग का, इतना बचा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम हो जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1 टाइम में जाएगा, तो और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को तो इतना ही आएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 4 टाइम से, कितना हो जाएगा 28 ना 28, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 49/8। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का स्टूडेंट आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो स्टूडेंट इसका आंसर यही है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।